नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्वाद हमेशा में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं केले और आलू की रसेदार सब्जी बना रही हूँ दोस्तों, जिसके लिए मैंने 6 से 7 केला लिया है और 3 से 4 मीडियम साइज के आलू हैं। सबसे पहले हम केले को छील लेंगे। केले की सब्जी बहुत, देखिए केले को हमने अच्छी तरह से छील लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैं इसको गोल शेप में काट रही हूँ। आप इसको इस तरह भी काट सकते हैं, दोनों शेप में बनता है। आलू को भी हम इसी शेप में काट लेंगे। मैंने केले और आलू को अच्छी तरह से धो के काटा है। अब मैं इसको साइड में कर देती हूँ। मसाले में मैंने 4 से 5 हरा मिर्च लिया है, 1 गांठ लहसुन है, 1 इंच इतना अदरक का टुकड़ा है, 4 टमाटर है और 4 प्याज है। हम लहसुन और मिर्ची और 2 प्याज हम इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट के एक मिक्सी के जार में रख लेंगे और हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अदरक को भी हम इसी में पेस्ट बना देंगे। हम 1 टमाटर बाद में पीसेंगे। हमें 2 प्याज को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। हमने सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई रख दिया है। तेल ले रही हूँ, मैं रिफाइन का तेल ले रही हूँ, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। इसमें केले को फ्राई करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक। हम ये सब डाल के अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम एक बर्तन में इसको निकाल देंगे। हम इसी तरह आलू को भी फ्राई कर लेंगे। हम
अपने आलू को भी फ्राई कर लिया है। अब हम आलू को भी कढ़ाई से निकाल लेंगे। हमने आलू को भी फ्राई कर लिया है। अब हम आलू को भी कढ़ाई से निकाल लेंगे। हम सब्जी उसी तेल से बनाएंगे दोस्तों जिससे हमने केले और आलू फ्राई किए हैं। सबसे पहले मैं अजवाइन डालूंगी और प्याज के टुकड़े जो मैंने छोटा छोटा करके रखा है इसको हम पहले थोड़ा देर भून लेंगे। प्याज को हम 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह से पहले भून लेंगे ब्राउन होते तक। और हम इसमें जो पेस्ट बना के रखे थे टमाटर और हरी मिर्च अदरक लहसुन हम इसको डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। मिर्ची आप लोग स्वाद के अनुसार डालिएगा क्योंकि मैं उसमें 5 से 6 हरी मिर्च पीस के डाल दी थी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 नमक स्वाद अनुसार डालें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से हम पहले मसाले को भून देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए केले आलू मिक्स करेंगे। और मसाले में हम इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने सब्जी और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए अगर इसको आप चाहें तो 1 से 2 मिनट भून सकते हैं चाहे तुरंत पानी डाल सकते हैं क्योंकि केला हमारा फ्राई है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने ग्रेवी के हिसाब से ऐड कीजिएगा कि आपको ग्रेवी कितनी चाहिए और ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है क्योंकि केला फ्राई में पक चुका है। 3 से 4 मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे। आप ग्रेवी के हिसाब से देख लीजिएगा। हम इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालेंगे। इसमें हमने कोई गरम मसाला नहीं डाला है इसलिए हम गरम मसाला लास्ट में डालेंगे। देखिए मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। आप कोई सा भी मसाला यूज कर सकते हैं। हम इसमें हरे धनिया भी ऐड कर देंगे, हरा धनिया का पत्ती। ऊपर से हम सब्जी को ढक
रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए हमारे केले की सब्जी बनके तैयार है, खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है इसकी। देखिए इसका ग्रेवी भी और केले भी हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमारे केले की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए केले आलू की सब्जी बनके तैयार है, इसका ग्रेवी भी मस्त है और एक केले आलू की मसालेदार सब्जी है। आप इसको रोटी में, पराठे में, चावल के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अगर आपको मेरे केले आलू का सब्जी बनाने का तरीका अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।